पहली बात यह है कि मैं कोर्ट के ऑर्डर पे यहाँ पे खड़ा हूँ, दूसरी बात यह है कि आई हैव टू डू इट, तीसरी बात यह है कि मैंने करना ही करना। रिटर्न ऑर्डर दे देना, हम लोग कच्चे ठहर सकते हैं। मैं कोर्ट से 4 बजे आया हूँ, अब हमें क्या पता आप ठीक कह रहे हैं। रिटर्न ऑर्डर पे होता है, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आप कहते हैं आप कैसे कह रहे हैं हम ये ठीक कह रहे हैं। आप दुनिया में आप हमारा राइट बनता कि हमें कम से कम एडवोकेट ने, सरकारी वकील ने क्या कहा आपको, उन्होंने क्या कहा? देखिए जी आप बताएं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जी उनको उसके रीडर ने कहा कि वो कर गया, जज साहब से उन्होंने बात ही नहीं हुई। रीडर ने कहा, रीडर ने कहा और हमें रीडर ने कहा कि ऑर्डर में मुझे जरूरत नहीं थी ये सरकारी वकील जो कोर्ट के वकील हैं उनसे बात कराने की। मैं हम ये भी कह रहे हैं कि आप क्या समझते हैं मैं अपने तौर पर आया हूँ। आपको कहा? हाँ जज साहब कहाँ कहा? हम कट्ठे लेके यही कहा कि सामने तो नहीं कहा, नहीं दिल वहीं पे बैठे हुए थे, जज साहब चले गए उसके बाद क्या दिया आपको? नहीं नहीं जज साहब ने उसे जाने से पहले कहा है सर, हम से पहले हमें तो वहीं लोग बैठे रहे हैं वहाँ पे वेट फॉर ऑर्डर के लिए हम लोग बैठे, जैसा कमरे से निकल गए हैं, जैसा कमरे से निकल गए हैं उनको सुबह आके लिखवाएंगे वो ऑर्डर। आप इस बात की बात ठीक है, पिटीशन एप्लीकेशन मार रोड की रेट में आपने सीएम दी, सीएम को उन्होंने डिसमिस किया, डिसमिस अनाउंस हो गई, ठीक है आपके लिए ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है आपकी एप्लीकेशन। उन्होंने सीट पे तो बैठे नहीं, आपके साथ उठ के चले गए वो सीट से, 3:30 पौने सीट से जो उठ के चले गए खाली बाहर। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं वैसे आ गया हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं आपको मुझे गलत नहीं कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ मैं कि 4 बजे भी हम कोर्ट से निकले हैं, उन्होंने कहा जी वेट फॉर ऑर्डर, उठ के वो कमरे में चले गए, हम 4:45 बजे तक उनके बैठे ऑर्डर का इंतजार करते हैं, जैसे आप कहते हैं वो उठ के चले गए जी, वो सुबह ऑर्डर लिखवाएंगे। अगर उन्होंने वो 4 बजे तक अनाउंस कर दिया होता तो हम क्यों आके आराम से सुकून से यहाँ बैठे होते हैं। मैं सबको कह ले मुझे उन्होंने भेजा है, डिसमिस है, आप जाके ऑपरेशन करें। आप वहाँ से निकले, आप बल्कि 2:30 बजे निकल गए थे वहाँ से, हम लोग 4 बजे तक बैठे रहे वहाँ पे। है कि मैंने ये ऑपरेशन करना है, मैं ऑर्डर पे आया हूँ और मैंने कर, देखिए ये आप वर्बली तो ना करें इस तरह, देखिए रिटर्न हमारा हक बनता है कि रिटर्न ऑर्डर देते हैं, एक रिटर्न ऑर्डर के बगैर कैसे दे सकते हैं। कोर्ट में जिसी तरह इनके सीएम थी उसी में उन्होंने ऑर्डर किया। ये बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन का सिलसिला यहाँ जारी है और लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद यहाँ ये बड़े भारी मशीनरी जो है उसे डिप्लॉय करके ये सिलसिला जारी है। और यहाँ आपको साथ बताएं कि इन बिल्डिंग्स की तज़ीन और आयश की जाएगी, इनको इनका रिवाइवल किया जाएगा और मार रोड की पुरानी बिल्डिंग्स जिनका रिवाइवल इंतहाई ज़रूरी है, जो तारीखी इमारतें यहाँ मौजूद हैं बल्दिया उज़्मा के पास 1921 के जो नक्शे मौजूद हैं उन नक्शों के मुताबिक उन तस्वीर के मुताबिक इन सारी बिल्डिंग्स को रिवाइव किया जाएगा और खूबसूरती इनको दी जाएगी। ये आप कॉरिडोर देख रहे हैं जिसे गिराने का सिलसिला जारी था और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जो है वो भारी मशीनरी डिप्लॉय करके इसको गिराने का सिलसिला जारी था और कुछ लीगल डिस्कशन भी आपको सुनवाई एसी सिटी साहब की और यहाँ के जो ताजर हजरात हैं उनकी तरफ से। यहाँ की सूरत हाल आप देख रहे हैं और इस सारी सूरत हाल में जो यहाँ तजावजात हैं, जो चीज़ें यहाँ की बदसूरती में इजाफा करती हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए, उनका कला कमा करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेप के तौर पर जो है वो ली जा रही हैं। और बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन की अभी शायद इधर ज़रूरत मौजूद है क्योंकि अभी आपको पता है कि इधर मसाइल स्थान बना हुआ है, यहाँ तजावजात के मसाइल हैं, यहाँ दीगर बहुत सारे मसाइल हैं और लोगों को आमदरफ्त में बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ता है जो आप देख भी रहे हैं सूरत हाल। क्या अब किस तरफ जाएगा जी ये ऑपरेशन? मैनुअल तरीके से हम थोड़ों के साथ दीवारें तोड़ने लगे हैं, लिफ्ट हटा दी गई जी, वो लिफ्ट हटा दी है, शटर उतार दिए गए हैं, अब मैनुअल तरीके से थोड़े मार के तोड़ेंगे। आपको दिखाते हैं, हमारा ग्रुप आया है अच्छा ऑपरेशन के लिए, अब ये बरामदे खाली करवाने हैं जी कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक। अच्छा सामने ही है ये देख लें, आपके सामने शटर उतारने का इनको टाइम दिया है, हर चीज़ इनको फेवर दी जा रही दुकानदारों को ताकि इनका कम से कम नुकसान हो, इनका कम से कम नुकसान हो। ये देखें आपके सामने ऑपरेशन शुरू हो चुका है, ऑपरेशन शुरू है, आपको थोड़ों की आवाज़ जो है वो हमारे व्यूअर्स तक जा रही है, लेकिन सूरत हाल जो है बहुत बड़ी तादाद यहाँ लोगों की, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हो चुके हैं और वो इस ऑपरेशन को ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि ट्रैफिक ब्लॉकेज भी है इस वजह से और लोग जो है वो साइड पे गाड़ियां रोक रोक के इस ऑपरेशन को देख रहे हैं। और ये वो ऑपरेशन है जिसकी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम दिए गए और ये बिलबोर्ड्स का हो, ये इमारतों की ताज़ीन और आयश का हो, ये इमारतों से मुतल्लिक कोई भी ऑपरेशन हो, वो सारे का सारा ऑपरेशन फुल फ्लेज तरीके से इस वक्त आपको नज़र आएगा। और इस ऑपरेशन की वजह से
صورت حال آپ کو بہتری کی طرف جاتی دکھائی دے نہ دے، لیکن یہ آپریشن لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق کیا جا رہا ہے، اور اسے اگر پراپر کیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق فلی لیٹر اینڈ اسپرٹ، تو اس کے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک پہنچنا شروع ہوں گے اور عوام جو ہے اس کے ثمرات انجوائے کر سکیں گے، کیونکہ یہاں جتنی بھی بلڈنگز ہیں ان کا ریوائول ہوگا، اور جو یہاں انہوں نے کوریڈورس قائم کیے تھے ان پرانی بلڈنگز کو ڈیمیج کر کے نئی طرز پر تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی، اس سارے کو ریوائیو کیا جا رہا ہے۔ اس کا رنگ و روغن بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا جس طریقے سے وہ نقشے سارے کے سارے موجود ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں ہم اب دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ریٹن آرڈر کا تقاضا بھی کیا ہے کہ ہمیں ریٹن آرڈرز دیے جائیں کورٹ کی جانب سے، اور اے سی سٹی کی جانب سے بھی بہت ساری گفتگو بھی کی گئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہی ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، اور اس ساری صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا بہت بڑی یہاں تعداد بھی موجود ہے۔ سر کیا حال ہے آپ کے، کیسے ہیں آپ جی، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا تو مرشد مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کتنا دیر لگے گی اس آپریشن کو؟ جو آپریشن ہے آپ کے سامنے ہے، دیکھیں رش والی جگہ ہے، مار روڈ کا جو ہے نا اس وقت تو پیک آور ہیں، لوگوں کا کو بھی مینیج کرنا ہے، ان کی بزنس ایکٹیویٹی پیک پر ہے۔ بہرحال جو ہے نا یہ آپریشن جیسے بھی ہو، رات ہو جائے، جو بھی ہو، ہم نے آج مکمل کرنا، ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں، اس کی کمپلائنس تو ضروری ہے اور رپورٹ دینی ہے ہائی کورٹ۔ اور یہ پانچ برامدے آپ کریں گے یا کیا کریں گے، کتنے برامدے ہیں؟ یہ بلڈنگ ہے شادی لال، جیسے شادی لال بلڈنگ اس کا نام ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے فی الحال، یہ پوری کلیئر کروانی ہے۔ اس میں یہ ساری بھی آتی ہیں، یہ سارا برامدہ آ رہا ہے جی پیچھے سے جو ہے نا، آپ جو بہت بڑا پلازا ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے نظر آ رہا ہے، یہ وہاں تک برامدہ ہی جاتا ہے، یہ ان دکانوں کے آگے جو ہے نا ایک برامدہ ہے۔ اچھا یہ آپ ان دکانوں کو جب ریموو کریں گے تو پیچھے برامدہ اس کا بحال ہوگا، جو کوریڈور ہی آ رہا ہے اس کا؟ جی یہ درمیان والی جو پارٹیشن وال ہے یہ نکالیں گے، ابھی جو یہ بات کر رہے ہیں دکاندار، کیا دکانیں پھر الیگل ہیں اس کا مطلب؟ ہم خود وہ کہتے ہیں ہم دکان، پیچھے دکان ہے نا، آگے برامدہ ہے۔ یہ برامدے پہ جو بنایا ہے انہوں نے کنسٹرکشن کی، یہ الیگل ہے اس کا مطلب؟ جی بالکل یہ الیگل کنسٹرکشن ہے، یہ غیر قانونی، اس کا کوئی نقشہ نہیں ہے منظور شدہ، یہیں تو کیس تھا ان کا، یہ ہائی کورٹ میں انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا اپنا کیس کنٹیسٹ کیا ہے، وکیل کیا ہے، اور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ یہ ان کا جو ہے نا غیر قانونی ہے، الیگل کنسٹرکشن ہے، اور اس کو جو ہے نا یہ خود ریموو کریں۔ اب وہ نہیں کر رہے تو ابھی جو ہے نا روڈ پہ ٹوٹل کتنی عمارتیں ہیں جن کا آپ ریوائول کریں گے اور بحالی کریں گے اور الیگل کنسٹرکشن ریموو کریں گے؟ یہ جو ہے نا ٹوٹل 67 بلڈنگ ہیں مار روڈ کے اوپر، ان میں سے کچھ جو ہے نا تاریخی عمارتیں ہسٹوریکل بلڈنگ ہیں، لیکن جو ہے نا 67 بلڈنگ کو پینٹ ریپیئر ہونی ہے، ان میں سے کچھ بلڈنگ ہے کوئی 27 کے قریب ہے، اور باقی بلڈنگ جو ہیں ان پر پینٹ ہونی ہے، جہاں ریپیئر نہیں ہو رہی ان پر پینٹ شروع ہو گیا ہے، اور جہاں ریپیئر ہونی ہے وہ بلڈنگ ریپیئر ہو رہی ہیں، اور یہ انشاءاللہ جو ہے نا یہ ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں، اور جلدی یہ جو 15-20 دن میں یہ کام مکمل ہو جائے گا، اور آپ کو مار روڈ جو اصل 1921 میں مار روڈ ہوتا تھا، جو مار روڈ کا حسن ہے، جو مار روڈ کی خوبصورتی ہے، وہ آپ کو نظر آئے گی، یہ ماڈرن روڈ ایک نظر آئے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ ساری مشینری نہیں تھی تو اس وقت میں نے یہ پورا جو ہے نا دیکھا ہے، ماشکی ہوتے تھے اور مشکوں کے ساتھ جو ہے نا یہاں شام کو چھڑکاؤ کرتے تھے، اور مار روڈ پر جھاڑو لگتا تھا اور لوگ گزرتے تھے، اور اس کو ٹھنڈی روڈ کہتے تھے۔ یہ اس شکل میں اس نے جانا ہے۔ درخت بھی لگانے پڑیں گے آپ کو؟ وہ بھی درخت بھی لگا رہے ہیں بہت زیادہ، درخت سارے محکمے، الائڈ محکمے جتنے بھی ہیں، پی ایچ اے ہے درخت لگا رہا ہے، ایل ڈبلیو ایم سی جو ہے نا اس نے جو ہے نا یہاں 1000 روپے جرمانہ رکھا ہے اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں کوئی کوڑا پھینکتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے نا ہماری جو لوور میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے وہ ڈیلی جو ہے نا فالو اپ آپریشن، ہم نے سارے مار روڈ کے اوپر جو بورڈ تھے وہ ہٹا دیے ہیں، تو اور ڈیلی فالو اپ آپریشن کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے نا جرمانے بھی کیے ہیں 15000 روپے کے قریب جو ہے نا مار روڈ اور ہار روڈ پر، میں نے آ کر جو ہے نا ان کو جرمانہ کیا ہے، اور یہ ہار روڈ والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے نا میں نے جو آپ کا انکروچمنٹ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، ان کے خلاف ابھی جو ہے نا ریسنٹلی میں نے ایف آئی آر کے لیے ریکویسٹ کی ہے پولیس کو، کہ جو بار بار جو ہے نا رپیٹ کرتے ہیں، ایک سامان ہم اٹھا کر لے جاتے تھے پھر رکھ لیتے تھے، اس طرح کی تو بہت ساری ایف آئی آر آپ نے واپس بھی ہمیشہ لی ہیں؟ نہیں نہیں، ایف آئی آر واپس نہیں لی جا سکتی، جو ایف آئی آر واپس لے گا آپ وہ خود جو ہے نا ان کو رسپانسبل ہوگا، مدعیت ہی نہیں پراپر کرتے تو واپس ہی ہو گئے پھر؟ نہیں نہیں، اگر یہ اگلا بیل پہ باہر آ جائے، ہم نے پولیس میں ایک ریکویسٹ بھیج دی، پولیس کا کام ہے ایف آئی آر درج کرنا، ایف آئی آر واپس نہیں ہوتی، ایف آئی آر کے اوپر جو ہے نا لیگل ایکشن ہوتا ہے۔ نہیں آپ مدعیت ہی جب پور کریں گے تو وہ کیس واپسی والی بات ہے نا، بہت ساری ادھر تاجروں پہ ایف آئی آر جب ہوتی ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں ہمیشہ آپ نے دیکھا شالمی میں بھی ایسا ہوا، انکروچمنٹ کی جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس میں جو ہے نا اس کے خلاف جو ایکشن ہوتا ہے
वो कोर्ट ने करना होता। कितने इधर आपने रिक्वेस्ट की ताजरों पे एफआईआर्स की? वो इस अंदाजा हमने इस्तगासे भेजे हुए हैं, वो तकरीबन जो है ना वो 9-10 के करीब हैं इस वक्त। क्या उन्होंने अपने काउंटर्स वगैरह लगाए हैं? बाहर काउंटर लगा लेते हैं, सामान लगा लेते हैं, इसके अलावा पुख्ता जो है ना इन्होंने इंक्रोचमेंट जो की हुई। पर्चा आपने ली कंपनी पे भी दिया? ली कंपनी पर तो पर्चा नहीं है, वो तो सरकारी है ना। उस तो आप अपनी किसी की जमीन पे कहें जी ये पार्किंग कंपनी है, वो मंजूरशुदा ये पॉइंट है पार्किंग के, ली कंपनी के। ये जो ली पार्किंग कंपनी जो है ना कलेक्शन करती है, वो जो पॉइंट मंजूरशुदा है, नोटिफाइड पॉइंट है। अदरवाइज जो है ना, अगर है तो सड़क ना सर, इलीगल सड़क है ना। देखिए यहाँ जगह आप पॉइंट आउट करके कह देंगे ये जनाब पार्किंग है, ये तो आप सवाल ली पार्किंग से पूछें। मैं पर्चे तो आपने देना होते हैं तजावजात आपकी। देखें आपने रिट बहाल करनी तजावजात की, ली पार्किंग तजावजात की रिट आपने बहाल करनी ली पार्किंग की। अच्छा यहाँ तजावजात देखे पार्किंग ही पार्किंग है सारी, तो ये किसका जिम्मेदारी है? मैं जो कह रहा हूँ कि अगर ये हम पार्किंग ली शोकेस वाले को ने ये नोटिफाई किया हुआ है, ये जिम्मेदारी है, ये उनका एक शोकेस वाले को तो आप देते हैं। उनका मंजूरशुदा शेड्यूल है, अब हमें थोड़ा सा रिलैक्स कर दें। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल काम कीजिए जी। सूरत हाल आप देख रहे हैं। हाँ जी, ये जो कह रहे हैं ना कि वो मोटरसाइकिल पार्किंग आप कह रहे हैं, ये यहाँ से लेके वो आगे फैसल मार्केट है वहाँ तक ये गाड़ी की पार्किंग होती थी, ठीक है। अब इन्होंने वहाँ पे मोटरसाइकिल स्टैंड बना हुआ है, अगर इन्होंने काउंटरों पे एक्शन लेना है वहाँ से फिर मोटरसाइकिल स्टैंड भी उठाया जाए। हमारे के 33,000 रुपये लेते ही हैं, 33,000 रुपये लेते हैं एक काउंटर वाले से। ये किस हज़ार रुपये? हाँ जी, ये किस तरह छोड़ेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता, माफिया ख़त्म हो ही नहीं सकता। सूरत हाल जी आपके बिल्कुल सामने हैं और आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेशन जो है ये ग्रैंड ऑपरेशन है, और इस सारे ऑपरेशन की सूरत हाल ना सिर्फ आपको दिखा रहे हैं बल्कि आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ACCD यहाँ मौजूद हैं, और इस सारे के सारे खूबसूरत तरीन बिल्डिंग को रिवाइव करने के लिए, अपनी असल शक्ल में रिवाइव करने के लिए इस वक्त ऑपरेशन, और ग्रैंड ऑपरेशन इसे कहना कम नहीं होगा, वो जारी है। और कॉरिडोर्स के अंदर जो दुकानें बनी हुई थी, जो पुराने वक्तों को जो है वो उनके ऊपर पुरानी दुकानों के ऊपर कॉरिडोर को ब्लॉक करके इलीगल कंस्ट्रक्शंस की गई, उन दुकानों को गिराने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन हार रोड के और इससे मुलहिका जो एरियाज हैं उनके मसाइल जो हैं अपनी जगह बरकरार हैं। ये बहुत बड़ा कदम है, बड़ा खुशाइंद है हाईकोर्ट की जानिब से कि उनके ऑर्डर्स के बाद ये सारे का सारा सिलसिला जो शुरू हुआ, और इंतज़ामिया जो है ना सिर्फ हरकत में आई बल्कि वो चाहती है कि इसे एग्जीक्यूट भी करवाए, और इस एग्जीक्यूशन के नतीजे में हार रोड के मसाइल, मार रोड के मसाइल और यहाँ से मुतल्लिका जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे अभी बहुत सारी कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत मौजूद है। जैसा कि इस संडे को जो कमिंग संडे है इसमें बिल बोर्ड्स जो इमारतों पे लगे हुए थे बड़े बड़े, अभी सिर्फ 32 उतारे गए थे, बाकी बिल बोर्ड जो हैं उनको उतारने का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ये साथ देख सकते हैं हमारे, ये जो मोटरसाइकिल पार्किंग है ना ये कार पार्किंग थी, ठीक है, इन्होंने ये मोटरसाइकिल स्टैंड बनाए हुए हैं यहाँ, तो ये भी उठाए ना, अगर ये काउंटर वगैरह उठाए गए हैं तो मोटरसाइकिल पार्किंग भी यहाँ से उठनी चाहिए। आप हमारे देख सकते हैं कि कम से कम कोई 10-15 फीट रोड उस तरफ से, 10-15 फीट इस तरफ से, कोई कम से कम 30 फीट रोड जो है जो हार रोड का रोड है, मार रोड के बिल्कुल साथ, बिल्कुल मुलहिका रीगल चौक से आते हुए वो आपको नज़र आएगा कि ये सारे का सारा रोड जो है इसमें आपको नज़र आएगा कि ये इस पर कब्ज़ा है, और इस कब्ज़े की वजह से ली कंपनी के ये कहते हैं कि मुंतखब शुदा ये सड़क है, ये स्टैंड है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये मुंतखब शुदा अगर ये सड़क मौजूद भी है तो इसमें सारे के सारे रास्ते बंद किए। बंदा ये मतलब क्या, कहाँ से गुजरे ये बंदा, कहाँ से गुजरे? ये देखे ना, ये पार्किंग करके क्या मिलना है इनको, मतलब ये देखे ना रास्ता, आवाम का रास्ता रोका हुआ है, अदान हो रही है, इनको कुछ मतलब फेरा मारनी चाहिए। ये देखे ना रास्ता कहाँ है, देखें मतलब कुमन को चाहिए ना कमन कम, ये देखें ये पार्किंग तो खत्म करें ना, ये देखें मैं मतलब देखो ना मैं मतलब राह गिर हूँ तो मुझे मतलब कम से कम ये देखें ना ये मतलब पार्किंग तो मतलब होनी चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ बस, मतलब ये हमारी हुकूमत को खुद चाहिए, जो नई हुकूमत आई है उनको खुद चाहिए कम से कम ये पार्किंग तो खत्म करें ना, रास्ता तो ये देखें ना रास्ता किधर, बंदा कहाँ से जाए। आप ये देखें कि 10-15 फीट इधर कब्जा है, 15 फीट उधर, 30 फीट पे कब्जा, वही तो मैं कह रहा हूँ जी, मतलब कम से कम ये देखें ना रास्ता तो होना चाहिए ना, ये नमाजी के लिए रास्ता होना चाहिए, आवाम के लिए रास्ता होना चाहिए, क्या मतलब ये थ्रू आउट आप देख सकते हैं जी, मोटरसाइकिल आपको नजर आएंगे, हार रोड में जब भी आप जाएंगे तो ये बाइक से बाइक नजर आएंगे। देखे कहाँ से गुजर सकते हैं हम, देखिए ना मैं देखो मैं मतलब शहर ही हूँ इधर का, लाहौर का, और ये देखे ना पार्किंग करके क्या मिल रहा है इनको,